बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर ग्वालियर से है जहां पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भिंड कलेक्टर का एक ऑडियो वायरल किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भिंड कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव पर धर्म के आधार पर कार्रवाई करने का आरोप लगा। वहीं विधायक रामनिवास रावत के मंत्री बनने पर उन्होंने कहा कि रामनिवास मंत्री पद को लेकर डील हुई, जिसे आज बीजेपी ने इस समय हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, जो भिंड में जिस तरीके से कुछ मकानों को तोड़ा गया प्रशासन द्वारा, उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या पूरा मामला है और आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर, हुआ क्या है? पूरे प्रदेश की नौकरशाही जो है वो पूरी तरह से अपने दायित्वों के विरुद्ध कार्य कर रही है। भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव जी, एक हमारे हत्या के मामले मकान तोड़ा, मुस्लिम समाज के लोगों के 3 मकान तोड़ दिए और हत्या आरोपी एक था। और जब विनोद जैन और पन्ना होटल वाले के पुत्र की हत्या हुई थी मार्च में, उन्होंने भी बहुत मांग की थी कि मकान तोड़ा जाए। हालांकि मकान तोड़ने के मैं स्वयं पक्ष में नहीं रहता, मकान तोड़ना गैरकानूनी है, लेकिन जब कलेक्टर से बात की तो कलेक्टर कहते हैं कि जरूरी है हर हत्या पर मकान तोड़े जाएं। और फिर इसमें मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एंगल था, मतलब कलेक्टर जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए पद पर व्यक्ति को, जिसके जिला दंडाधिकारी है, जिसको दंड देने का भी अधिकार है, वो व्यक्ति इस तरह हल्की मानसिकता से हिंदू मुस्लिम की बात करके मुस्लिम भाइयों के मकान तोड़ता है। ये एक तरह से इसकी मानसिकता कलेक्टर की सांप्रदायिक मानसिकता है। मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से मांग करता हूँ कि इस तरह की नौकरशाही जो निरंकुश हो उसे लगाम लगाएं और भिंड कलेक्टर के मानसिक परीक्षण भी कराएं। तो क्या अपराधियों को मकान तोड़ना या किसी तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई करना गलत है? मकान तोड़ना पूरी तरह से गलत है, गैर कानूनी है। पुलिस अवैध मकान होगी नगर पालिका तोड़ेगी, हत्या के उसमें नहीं तोड़ेगी। और अगर बताया तो नगर पालिका ने नोटिस दिया क्या? पहले से कोई कार्रवाई की नगर पालिका ने, जन स्थानीय प्रशासन ने? अगर उसने हत्या की और फिर मकान तोड़ना, ये कौन से कानून में है? आपके पुराने नेता हैं रामनिवास रावत, आज उन्हें विधानसभा सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया और मंत्री बना दिया उनको, राज्य मंत्री मध्य प्रदेश। अब सवाल है मानसिक लोगों का, दर बदर का क्रम है मध्य प्रदेश समय पूरे देश में चल रहा है। कुछ लोग अपने सत्ता के लिए, कुछ लोग लालच में, कुछ लोग अपनी आपस में एक दूसरे के प्रति सहन शक्ति न होने के कारण दल बदलते हैं। रामनिवास रावत जी बरसों तक हमारे साथ रहे हैं, अब उनने हमारे से अलग हो गए, इसका हमें खेद है। लेकिन रामनिवास जी से कहना चाहूँगा कि आप मंत्री पद की शपथ लिए तो मैं उस हिसाब से मैं आपको बधाई देता हूँ, लेकिन निष्पक्ष रूप से जैसी की शपथ ग्रहण करते हैं उसी प्रकार जनता के काम करें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से भिंड में जो अपराधी हैं उसमें धर्म देखकर मकान तोड़े गए हैं, उनका वो पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह से कलेक्टर की मानसिकता नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से उन्होंने कलेक्टर के दिमागी परीक्षण कराने की भी मांग की है। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से सुराज के लिए विनोद शर्मा।